किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया। तो झूठे हैं वो लोग, उनसे पूछिए कि आप यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन है या अपने अपने प्राइवेट कैपेसिटी में आए, और प्राइवेट कैपेसिटी में आए तो तुम्हारे टिकट के पैसे किसने दिए, तुमको जो होटल में ठहराया गया उसके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है, और कैसे जब ऑफिशियल डेलीगेशन यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि MHA ने इसको ऑर्गेनाइज किया कि MEA ने किया, और कैसे कोई भी एक MP आकर प्राइम मिनिस्टर से ऑडियंस मिल जाता है उनको, भाई देश का प्रधानमंत्री है, मजाक थोड़ी है। और प्रधानमंत्री जी अनऑफिशियल डेलीगेशन से कहते हैं कि आयुष्मान भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर दीजिए और देख कर आइए कश्मीर, ये क्या हो रहा है? ये तो एम्बेरसमेंट है ना देश के लिए कि क्या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले 5.5 साल में माशाल्लाह आधी दुनिया को तो कवर कर लिया उन्होंने अपने फॉरेन विजिट में, एक ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं बुला सकते यूरोपियन यूनियन से। इससे बात साबित हो रही कि ये फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए एक हैपेजर्ड वे में कि जो मिलता है पकड़ के ला लिया उसको आपने, और उन लोगों को पकड़ के लाया आपने जो हिटलर के लैला मजनू है लोग। यही बात उन्होंने कहा कि हम नाजी नहीं है, हमको जनता ने चुना है। ये लोग अगर इनकी चमड़ी गोरी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिमाग उनका हमसे अच्छा है। हम जानते हैं कि हिटलर को भी डेमोक्रेसी में अलग किया गया था, उसके बाद क्या हुआ था दुनिया ने देखा, 10 लाख से ज़्यादा यहूदियों को गैस के चंबर में डाला गया, ये वही यूरोप से आ रहे हैं, और हिटलर को भी डेमोक्रेटिक इलेक्ट हुआ था, ये भी उनका इलेक्ट किया, मगर इनकी ये तो खुला कहते हैं कि हम नाजी आइडियोलॉजी को चाहने वाले हैं, हम हिटलर को अपना आशिक मानने वाले हैं, और जो हिटलर को अपना महबूब और आशिक मानते हैं उनको आप वैली लेकर जाते हैं क्या, उस वैली में जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमान है। जो डेलीगेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि हम दुश्मन नहीं है, हम आपके दोस्त हैं, हमको कहां के हम तो वहां हम जानना चाहते हैं कि लोग जो कश्मीर के लोग हैं, वो उर्दू का एक शेर है, तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों हुए। आप हिटलर को मानने वाले, हिटलर की आइडियोलॉजी पे कुर्बान होने वाले, आप हमारे दोस्त हो सकते हैं, मुबारक हो आपको। इससे बेहतर यह है कि मैं एक दो नाक सांप को अपने हाथ पे बांध लूं, इनसे दूर रहूं। ठीक है, जिस तरह से वो पूरे टूर में गए लोगों से उनका कहना था कि हम देखना चाह रहे थे, इनका 370 हटाना उनका सरकार का इंटरनल है, और सरकार की बात को आगे बढ़ाने की बेहतरी के लिए किया उन्होंने। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी जरूरत पड़ी, मोदी गवर्नमेंट को इनकी जरूरत पड़ गई क्या? अमेरिका का सेनेटर आया था दिल्ली को, उसको आपने जाने नहीं दिया, कहा कि हम इजाजत नहीं देंगे। हमारे US के तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है ना, हमने तो कॉमकास्ट एग्रीमेंट किया उनसे कि हमारे जो कम्युनिकेशन होंगे मिलिट्री के एयरफोर्स के सब उनसे हम शेयर करेंगे, आप उनको जाने नहीं दिया। पर इंग्लैंड का लिबरल डेमोक्रेट का एक MEP उसने भी ये कहकर नहीं आया, जब उसने कहा कि मुझे फ्रीली कश्मीर में लोगों से मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए, तो ये जो NGO जिनको बुलाई इनको लेकर आई है उसने कहा कि हम नहीं दे सकते, वो बैकआउट कर गया। आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर और एम्बेरसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मत करिए हरकतें। ये जो अनमोल लोग हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा हमारे एम्बेरसमेंट हो रहा है देश का। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि जो जिस तरह आतंकवाद यहाँ फैला है उसके खिलाफ है, ये इंटरनल मैटर है भारत का, लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि जो स्थिति है कश्मीर की, कश्मीर के लोगों की आवाम से मिलकर। दल, ये बात झूठ है क्या कि दल लेक में जो शिकारा कश्ती थी उन तमाम से बुलाकर किसी ने कहा कि जरा बीच में 10 लग दीजिए ताकि ज़रा खूबसूरत नजर आए, और यही क्यों बैठे हैं भाई? दूसरे कहाँ हैं लोग? क्या सेब उठा रहे हैं वहाँ से? सेब टनों सेब सड़ रहा है वैली में, इंटरनेट चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि इनको प्रेस से बात करने की इजाज़त है, गुलाम नबी को नहीं है? गुलाम नबी से कहा गया कि तुम सिर्फ जेक कराना, बोलना नहीं वहाँ पर। ये कैसी जमाबंदी है? नहीं, ये कैसी जमाबंदी है बताइए आप? एक चीफ मिनिस्टर की बेटी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेती है, और ये लोग जो यूरोप से आए हैं, हिटलर के चाहने वाले हैं, नाजी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, वो वैली जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बकवास करते हैं कि हम अफगानिस्तान बने देंगे। अरे अफगानिस्तान तुमने बनाया, अफगानिस्तान को बनाने वाले यही यूरोपियन लोग हैं, यही बर्तानिया, यही अमेरिका। आज अफगानिस्तान में बर्बादी है तो जिम्मेदार ये लोग हैं उसके। आपको लगता है कि अब देश के जो दूसरे तमाम नेता हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए? मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझ में थोड़ी हया बाकी है अभी, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कश्मीर को जाकर किसी कश्मीरी की आंख में आंख डालकर उसे कुछ बोलने के लिए, इसलिए कि इस सरकार ने जो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी के बलबूते के ऊपर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 को निकाला है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगा उन लोगों को? वो 15-20% लोग जो भारत का झंडा उठाते थे और वोट डालते थे, उनसे मैं क्या कहूँगा जिनको आपने जेल में डाल कर रखा है?
जो हमारी डेमोक्रेसी की रोक डालते थे, जो गोलियों के साए में टेररिज्म के टेररिस्ट के धमकाने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जमहूरियत पर यकीन रखते थे, आपने पार्लियामेंट में उनको लोगों को शर्मिंदा कर दिया। तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, जिसको जाना है जाए वो, मैं नहीं जा सकता। मुझे हयात मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे शिकायत अपनी सरकार से है कि आप एक ऑफिशियल डेलीगेशन को नहीं बुला सकते। मुझे शिकायत इनसे है कि आपने ऐसे लोगों को बुलाया जो इस्लामोफोबिया इनके दिलो दिमाग पर भरा हुआ है, और सब जानते हैं लोग।